क्या आप भी YouTube पर पुरानी टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन प्लेस की वीडियो देखकर बोर हो गए हो? हाँ, डोंट वरी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल ही न्यू टिप्स और हिडन प्लेस को बताने वाला हूँ। बट उससे पहले आप सभी अपनी उसी की बेटी बन लो, मौसम बिगड़ने वाला है। अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नंबर 10 ट्रिक होने वाली है हमारी न्यूरेक डैम्पर। इस ट्रिक को करने के लिए आपको इस साइड में आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ग्लूवॉल ऐसा लगाना है जैसे यहाँ पर मैं लगाऊंगा। एंड ग्लूवॉल लगाने के बाद आपको एक ग्लूवॉल इसके ऊपर लगा देना है और एक ग्लूवॉल इसके ऊपर भी लगा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आप ग्लूवॉल पर आ जाओगे और ग्लूवॉल पर आने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ग्लूवॉल पर जंप कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पर आ जाते हो आपको यहाँ पर यह लकड़ी दिखाई दे जाएगी जिसके ऊपर चढ़कर आप इस वाले घर के ऊपर आ सकते हो। बिकॉज अपडेट के बाद यह लोकेशन बिल्कुल ही चेंज हो गई है और यहाँ पर मेरे को एक एनिमी दिखाई दे जाता है जिसको यहाँ पर मैं अच्छा डैमेज दे देता हूँ और उस एनिमी को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि उसको मैंने कहाँ से किल कर दिया है। सो आपको इस ट्रिक का भी यूज करके देखना चाहिए और यहाँ पर लास्ट वाले एनिमी को भी किल करके अपनी विक्ट्री निकाल लेता हूँ। नंबर 9 ट्रिक होने वाली है हमारे पीक साइड पर। इस ट्रिक को करने के लिए आपको स्टोन के पास एक ग्लूवॉल यहां लगाकर सेकंड इसके आगे ही लगा देने हैं और थर्ड वाले ग्लूवॉल को थोड़ा ऊपर लगा देने हैं। उसके बाद आपको स्टोन के ऊपर जाकर ग्लूवॉल पर जंप कर देने हैं और जैसे ही आप ग्लूवॉल पर आ जाते हो आपको यहां से ऊपर की साइड जंप कर देने हैं। और यहां पर आने के बाद आपको तो पता ही होगा कि आप यहां से कितने ज़्यादा एनिमी को किल कर सकते हो। जैसे इस एनिमी को यहां पर मैं डाउन कर देता हूं और यहां पर मेरा एक किल चोरी भी हो जाता है। बट डोंट वरी, विक्ट्री तो हमारी ही होनी है। और यहां पर मेरे को एक एनिमी और दिखाई दे जाता है जिसको यहां पर मैं डैमेज दे देता हूं बट मेरा किल चोरी हो जाता है। नंबर 8 ट्रिक होने वाली है हमारी क्लॉक टावर पर। इस ट्रिक को करने के लिए यहां पर आ जाना है और 2 ग्लूवॉल को इस टाइप से लगा देने हैं। देन उसके बाद आपको एक टायर दिखाई दे जाएगा जिसके ऊपर जंप करके आपको यहां पर आ जाना है और यहां से आपको पीछे की साइड ही चले जाने हैं और यहाँ से आपको ग्लूवॉल के ऊपर बहुत ध्यान से जंप कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पर आ जाते हो आपको यह एडवांटेज मिल जाता है कि जो एनिमी सामने घर के ऊपर जाकर आपके टीममेट पर रश करते हैं आप उनको बहुत ही आसानी के साथ किल कर सकते हो। और जो एनिमी इस साइड से आते हैं आप उनको भी यहाँ से किल कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मेरे को एक एनिमी ऊपर की साइड दिखाई दे जाता है जिसको यहाँ पर मैं बहुत ही आसानी के साथ डाउन कर देता हूँ। एंड यहाँ पर जैसे ही मैं वेट कर रहा होता हूँ सो आपको इस ट्रिक का भी यूज करके देखना चाहिए। नंबर 7 ट्रिक होने वाली है न्यूरेक डैम पर। इस ट्रिक को करने के लिए आपको इसके ऊपर आ जाना है और यहाँ से आपको कंटेनर के ऊपर आकर थोड़ा पीछे की साइड ही लेट जाना है। बिकॉज अगर आप यहाँ पर आ जाते हो यहाँ पर आपको कोई भी नोटिस नहीं करने वाला है। और जैसे यहाँ पर मैं वेट कर रहा होता हूँ मेरे को एक एनिमी दिखाई दे जाता है जिसको यहाँ पर मैं बहुत ही आसानी के साथ डाउन कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मेरा किल भी कन्फर्म हो जाता है और एक एनिमी और दिखाई देता है जिसको भी यहाँ पर मैं किल कर देता हूँ। बट यह एनिमी पता नहीं इस साइड कैसे आ जाता है और यह मेरे को डाउन कर देता है बट यहाँ पर भी हमारी विक्ट्री हो जाती है। नंबर 6 ट्रिक होने वाली है हमारी ऑब्जर्वेटरी पर। इस ट्रिक को करने के लिए आपको इस साइड से रन करते हुए चले जाना है और आपको यहाँ पर जोन का भी ध्यान देना है। कभी आप यहाँ पर जोन में एलिमिनेट हो जाओ और आपको इस साइड से जाते हुए इस साइड में आपको यह बेनिफिट मिल जाता है कि आपको यहाँ पर ट्री दिखाई दे जाएंगे जिनका आप यहाँ पर कवर ले सकते हो। और जैसे ही यहाँ पर मैं आ जाता हूँ यहाँ पर मेरे को कोई एनिमी नोटिस कर लेता है बट यहाँ पर फाइनली मैं उस एनिमी को देख लेता हूँ और यहाँ पर उस एनिमी को डैमेज दे देता हूँ। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने कैसे उस एनिमी को डाउन कर दिया है। एंड यहाँ पर जल्दी से किल भी कंफर्म कर लेता हूँ और एक एनिमी और दिखाई देता है जिसको भी यहाँ पर मैं डाउन कर देता हूँ। एंड यहाँ पर अपना किल भी कंफर्म कर लेता हूँ और आपको यहाँ पर यह बेनिफिट मिलता है कि आप यहाँ पर इस पेड़ का कवर भी ले सकते हो। और मेरे को एक एनिमी ऊपर की साइड दिखाई देता है जो यहाँ पर लास्ट का ही बचा होता है इसलिए यहाँ पर मैं ग्लूवॉल लगाकर कवर ले लेता हूँ। नंबर 5 ट्रिक होने वाली है हमारी मार्स इलेक्ट्रिक पर। और यह ट्रिक बिल्कुल ही कमाल की होने वाली है
क्योंकि इस ट्रिक का अगर आप यूज करते हो तो आप कुछ सेकंड में ही अपने राउंड को विक्ट्री निकाल सकते हो। और जैसे ही आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपको इस साइड में एनिमी बैठे हुए दिखाई दे जाएंगे, जैसे इस एनिमी को किल करते ही मेरी बहुत ही आसानी के साथ विक्ट्री हो जाती है। नंबर 4 ट्रिक होने वाली है हमारे रिमनाम विलेज पर। इस ट्रिक को करने के लिए आपको इस साइड से ही चले जाना है और आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर कोई भी एनिमी नोटिस ना कर पाए। और यहाँ पर जैसे ही मैं जाता रहता हूँ यहाँ पर आपको ऊपर की साइड ही आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपको पीछे से एनिमी पर अटैक कर देना है। जैसे यहाँ पर मेरे को एक एनिमी खड़ा हुआ दिखाई देता है और यहाँ पर उसका एक बोट एनिमी भी दिखाई दे जाता है जिसको यहाँ पर मैं किल कर देता हूँ। एंड आपको इस ट्रिक का भी यूज करके देखना चाहिए क्योंकि इस ट्रिक का यूज करने से आप एनिमी को सरप्राइज दे सकते हो। और यहाँ पर मैं लूट कर लेता हूँ बिकॉज यहाँ पर लास्ट का एक ही एनिमी बचा होता है जिसको किल करने के लिए यहाँ से मैं निकल जाता हूँ और फाइनली उस एनिमी को भी अच्छा खासा डैमेज देकर किल निकाल देता हूँ और हमारी बहुत ही आसानी से विक्ट्री हो जाती है। नंबर 3 ट्रिक होने वाली है हमारे हैंगर प्लेस पर। इस ट्रिक को करने के लिए आपको यहाँ पर जो ये यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है इसके ऊपर आकर बैठ जाना है बिकॉज अगर आप यहाँ पर आ जाते हो तो आपको यहाँ पर कोई भी नोटिस नहीं करने वाला है। और यहाँ पर मेरे को एक एनिमी दिखाई दे जाता है जिसको यहाँ पर मैं किल कर देता हूँ। एंड आपको इस ट्रिक का भी यूज करके देखना चाहिए क्योंकि इस ट्रिक का यूज करने से आप बहुत ही आसानी के साथ अपनी रैंक पुश कर सकते हो। नंबर 2 ट्रिक होने वाली है हमारी रिमनाम विलेज पर। इस ट्रिक को करने के लिए आपको इस साइड से चले जाना है और आपको जो सामने ये नाव पड़ी दिखाई दे रही है आपको इसके पीछे ही चले जाना है बिकॉज अगर आप यहाँ पर आ जाते हो तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा कवर देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर मेरे को एक एनिमी दिखाई दे जाता है जिसको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि इसको मैंने कहाँ से डाउन कर दिया है। एंड उसके टीममेट को भी यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ डाउन कर देता हूँ एंड यहाँ पर अपना किल भी कंफर्म कर लेता हूँ। और यहाँ पर लास्ट के 2 ही एनिमी बचे होते हैं जिसमें से यहाँ पर एक ही एनिमी बच जाता है और उस एनिमी को यहाँ पर मैं किल कर देता हूँ एंड यहाँ भी हमारी बहुत ही आसानी के साथ विक्ट्री हो जाती है। नंबर 1 ट्रिक होने वाली है हमारी मार्स इलेक्ट्रिक पर। इस ट्रिक को करने के लिए आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपको कंटेनर के पीछे ही बैठ जाना है बिकॉज अगर आप यहाँ पर आ जाते हो तो आपको यहाँ पर कोई भी नोटिस नहीं करने वाला है। जैसे यहाँ पर इस एनिमी को मैं बहुत ही आसानी के साथ डाउन कर देता हूँ और अपना किल भी कंफर्म कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर लास्ट के 3 एनिमी इस साइड से आ जाते हैं जिनको यहाँ पर मैं डाउन करता जाता हूँ और यह एनिमी मेरे को बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पर मेरा क्वार्टर किल के साथ विक्ट्री हो जाती है।